हेलो एंड वेलकम टू सदफ स्मार्ट रेसिपी। आज मैं बनाने वाली हूँ गाजर का हलवा, जिसके लिए मैंने 1 किलो गाजर ली हूँ। इसे मैंने अच्छे से छिल के कीस ली हूँ। अब मैं इस पैन में घी गरम करूँगी। मैंने इसमें 2 टेबलस्पून घी गरम करा है। आप इसमें पीवर घी भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसमें गाजर डाल देंगे। गाजर मैंने डाल दिया है, अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे। जब तक ये थोड़ा चीम ना जाए, इसके बाद हम बाकी की इंग्रेडिएंट डालेंगे इसमें। अब हम इसमें 1 कटोरी शक्कर डाल देंगे। आपको अगर ज़्यादा चाहिए तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और ये ड्राई फ्रूट्स मैंने थोड़े से घी में रोस्ट करके रखा है। ये काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट और खजूर है और इलायची। इसे मैंने, इसके दाने मैंने थोड़े से क्रश कर लिए है। फ्रेश क्रीम हम इसमें 2 टीस्पून डालेंगे या फिर 3 टीस्पून, आप अपने हिसाब से डालिए, या फिर आप दूध भी डाल सकते हैं। अब मैं इन सबको मिक्स कर लूँगी और इसे अच्छे से भून लूँगी। इसमें हम 1 चुटकी नमक डालेंगे, इससे मीठे का स्वाद और भी बढ़ जाता है। फ्रेश क्रीम डालने से हमारे हलवे की रिचनेस और बढ़ चुकी है। हलवा बनाने में हमें लगभग आधा घंटा लग चुका है। देखिए ये कितने अच्छी तरह से भून चुका है। अब मैं इसे सर्व करूँगी। मैंने इसे काजू और बादाम और पिस्ता के साथ गार्निश किया है। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होंगी तो प्लीज़ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए सदफ स्मार्ट रेसिपी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।